ग्वालियर के सबसे पुराने व्यापार मेले का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन उद्घाटन होते ही विवादों में भी घिर गया है। 3 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेले का उद्घाटन किया और इस बीच खबर है कि ग्वालियर के 170 साल पुराने व्यापार ट्रेड फेयर मेले को प्राधिकरण के बाबू और कुछ लोग मिलकर संचालित कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापार मेले में 80% दुकानें प्राधिकरण के कुछ बाबुओं के कब्जे में हैं। बता दें कि ग्वालियर व्यापार मेले में इलेक्ट्रिक सेक्टर में दुकानों का किराया 16,500 है और जनरल दुकान का किराया लगभग 4,800 रुपये है, लेकिन प्राधिकरण के बाबू और कुछ लोग अवैध तरह से दुकानों के दाम बढ़ाकर बेच रहे हैं। इस कारण नए व्यापारियों को मौका नहीं मिलता है, जबकि प्राधिकरण के नियम अनुसार मेला परिसर में फुट के हिसाब से जगह दी जाती है और जो निर्धारित कीमत के हिसाब से रसीद काटी जाती है, लेकिन बाबुओं के कारण प्राधिकरण को लाखों का चूना लग रहा है। हालांकि MKN न्यूज़ चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है। इसी बीच हमारे संवाददाता योगेश विसारिया ने मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से बात की, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। सर MKN नेशनल न्यूज चैनल से योगेश बात कर रहा हूँ। सर जी योगेश, सर एक बात आइए, आप अध्यक्ष हैं मेले के और यहाँ पर मेले में मैं अध्यक्ष नहीं हूँ भैया, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। तो कौन है अध्यक्ष? सर अध्यक्ष किसी को, अध्यक्ष कोई नहीं है अभी, नॉमिनेटेड कोई नहीं है। तो नहीं, मेले में जवाबदार आदमी कौन है सर, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके? नहीं, वैसे तो सेक्रेटरी है वहाँ पे फुल टाइम, मैं मिनिस्टर के हिस्से से काम कर रहा हूँ। सर एक निवेदन मेरा सुन लीजिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ पे, समझ लीजिए सर कि यहाँ सचिव से कोई बात बोले तो सचिव सीधा आप पे टाल देते हैं कि मेरे को पावर नहीं है। आपके भोपाल से इंदौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग आ गए, परेशान हो रहे हैं, यहाँ इनको जगह नहीं दी जा रही है। यहाँ पर टोटल अभी वहाँ पे हमने एक डिप्टी सेक्रेटरी जो IAS है उनको कल से भेजा हुआ है उसी काम के लिए। सर नाम बताएं भोपाल से, ये नाम मुझे अभी ध्यान नहीं है। हमारे जो डिप्टी सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट के जी, उनको वहीं भेजा हुआ है जी, वो ग्वालियर में ही है अभी। अच्छा सर कल ही भेज दिया था। अच्छा सर एक निवेदन आपसे और कर रहा था मैं कि ग्वालियर व्यापार मेले में लगभग दुकानें यहाँ पर ब्लैक होती है यहाँ पर, और मेला प्राधिकरण की सबसे ज्यादा दुकानें एक्शन कोई नहीं लेता यहाँ पर। सर आप मुझे मुझे पॉइंटेड बता दें तो मैं, देखिए अपन आरोप, अपन समझदार है, पुराने पत्रकार हैं आप जी, आपने कई बार मेरे से बात करी, मैंने भी आपसे करी जी जी जी, आपको शायद ही ऐसा कोई मिनिस्टर मिला होगा आज तक जो हर बार फोन खुद उठा लेता है। मुझे आप पॉइंटेड केस बताइए कि ये गलत हुआ है जी, ठीक है जी, तो मैं एक्शन ले पाऊंगा ठीक है। और नहीं तो अपन सभी जेन्युइनली भी आप बात करेंगे तो हमेशा उस बात को उड़ा दिया जाएगा। वो तो मेला जो परंपरागत ढंग से जो दिया गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर के पास में, वहीं उनको दिया गया है। जगह वो एरिया इस समय में से मेरे को याद, क्योंकि ऐसी जानकारी हमें है कि उनके द्वारा भी अवैध दुकान निर्मित वहां पर लगा दी गई है, जबकि मेला प्राधिकरण रूल्स क्या है सर, दुकान पर लाइट देने? नहीं नहीं, वो तो दुकान ठेकेदार अपनी दुकान तो नहीं लगाया गया, ठेकेदार ने दुकान लगाई है तो सवाल सर मेरे लिए रूल्स क्या है सर, यहाँ पर लाइट कोई दे अगर लेगा कोई दुकानदार उसका रूल्स क्या है? वो आवंटन आदेश देगा, आवंटन आदेश के बाद अपनी लाइट कटवाएगा, लाइट कटाएगा उसके बाद उसको लाइट।